इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुजुर्गों को अपना शिकार बना चुका कोरोना, अब बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। मम्मी पापा टेंशन में हैं, बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्या बच्चों को थर्ड वेव से पहले ब्लैक फंगस का भी खतरा है। मम्मी पापा जो भी जानना चाहते हैं उसका आज जवाब मिलेगा, और ये जवाब देने के लिए हमारे साथ तीन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का एक पैनल है। इस वक्त हमारे साथ जे अस्पताल की डीन पल्लवी प्रभाकर जुड़ चुके हैं और एम्स रायबरेली के डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जुड़ चुके हैं, और एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगी, एम्स दिल्ली की डॉक्टर झूमा शंकर, अब से कुछ ही देर में। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी पल्लवी जी, जिस तरीके से हमने फर्स्ट फेज में देखा 2% बच्चे इफेक्टेड थे, सेकेंड फेज में बढ़कर 7 हुआ, 7 से ज्यादा हुआ, और थर्ड फेज को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 से बढ़कर ये 30% तक हो सकता है, ऐसे में कितना बड़ा खतरा ये बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए? आपने सही लफ्ज का इस्तेमाल किया कि ये कयास लगाया जा रहा है कि बच्चों को हो सकता है, क्योंकि इस वजह से कह रहे हैं कि जब तीसरी लहर आएगी तो हो सकता है कि 18 साल के ऊपर वाले सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, टीका लग चुका होगा, और इसीलिए शायद 18 साल के नीचे वाले सारे बच्चों को होने का खतरा है। उस हिसाब से हम लोग ये परसेंटेज लगा रहे हैं, लेकिन और कोई वजह नहीं है, लेकिन तैयार हमको रहना है। जो दूसरी लहर में हमको कठिनाइयां जो महसूस हुई वो होनी नहीं चाहिए, इस वजह से हम तीसरी लहर में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द होपिंग फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो उस हिसाब से बुरा होके 12 या 15% तक ये नंबर जा सकता है। जी, अच्छा डॉक्टर मृत्युंजय, अगर हम बच्चों के लिहाज से बात करें तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी के फेजेस भी अलग अलग होते हैं, तो इन कयासों के बीच माता पिता बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा के रखें? देखिए, इम्यूनिटी के लिए बच्चों में जो नॉर्मली हम करते हैं वही हमें इस समय भी करना है। उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन दीजिए, अपार्ट फ्रॉम कोविड वैक्सीन जो भी वैक्सीनेशन उनको लगना है, डोंट डिले दोज वैक्सीनेशंस बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस। जब भी मौका मिले हर प्रिकॉशंस लेते हुए हमें उनको वैक्सीनेट करना है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन प्राइमरीली, सारे न्यूट्रिशन चीजें देनी है उनको, घर में रहने की सलाह देनी है सो दैट वो बाकी लोगों से एक्सपोज ना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो घर में उनके एडल्ट हैं उनको जरूर से वैक्सीनेट होना है। जब भी उनको मौका मिले वो रजिस्टर कराएं एंड अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, और अगर आगे कुछ ऐसा होगा जब बच्चों में वैक्सीनेशन का कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे ट्रायल्स के, तो फिर हम देखेंगे और बच्चों को वैक्सीनेट कराएंगे, बट लेकिन तब तक हमें उनको उनके स्वास्थ्य पे, उनके न्यूट्रिशन पे और उनके वैक्सीनेशन पे जरूर ध्यान देना है, एंड वी नीड टू बी वेरी श्योर कि ये सारी चीजें तरीके से फॉलो हो रही है। जी, अच्छा डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर वी के पॉल की हम बात करें, उन्होंने भी ये कहा है कि बच्चों में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन बच्चे कैरियर भी हो सकते हैं। क्योंकि वो उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जो कहते हैं वो उनके समझ में नहीं आ पाता, इसीलिए वो छींक सकते हैं, वो मास्क सही से नहीं पहन सकते हैं, वो घर में, अभी सब लॉकडाउन है बहुत से स्टेट्स में अपने देश के, तो घर में ही है, सीनियर सिटीजन है, उनके दादा दादी नाना नानी घर में, तो वो उनको फैलाते हैं। इनफैक्ट दूसरी लहर में यही देखा गया था कि बच्चे सिम्टोमेटिक थे या नहीं थे, लेकिन जब सीनियर्स को कोविड होता था और हम जो पूछते थे कि आपके घर में किसी और को कोई सिम्टम्स है, तो कहते थे हाँ बच्चों में सर्दी खांसी उनको हुई थी पिछले हफ्ते, तो बच्चे एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं, और ये कोविड हमारे कंट्रोल में आने के लिए मुश्किलें इसीलिए पैदा कर रहा है क्योंकि उसमें एसिम्टोमेटिक कैरियर बहुत रहते हैं। मान लो किसी को मलेरिया हुआ है, कोई और बीमारी हुई, तो उसको उसके लक्षण रहते हैं, हम उसको बाजू में कर सकते हैं। कोविड ऐसी बला है कि ऑलमोस्ट 50% लोगों में, अडल्ट और बच्चों में कोई सिम्टम्स ही नहीं रहते, तो वो खुशहाल रहता है और बीमारी फैलाता रहता है। जी, डॉक्टर झूमा शंकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर झूमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम थर्ड वेव के कयासों पर बात कर रहे हैं, इससे कदम आगे बढ़े तो अब ब्लैक फंगस का भी जिक्र किया जा रहा है, और बीते कल गुजरात के अहमदाबाद से पहला बच्चे से जुड़ा हुआ मामला ब्लैक फंगस का सामने आया है, तो ये कितना बड़ा खतरा बच्चों के लिए?
देखिए जो म्यूकर माइकोसिस है, इट इज मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं जिन्हें कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे बच्चे, दोनों में रिस्क जो ब्लैक फंगस का रिस्क है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल. अगर किसी को म्यूकर माइकोसिस हुआ डायबिटिक, चाहे वो कोविड हो नहीं हो, सो बोथ ऑफ देम आर एट इक्वल रिस्क. सो इस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कोई एडिशनल रिस्क नहीं है. जितना रिस्क एक डायबिटिक को होगा म्यूकर माइकोसिस के लिए, उतना ही रिस्क एक डायबिटिक विद कोविड को होगा. जी अच्छा डॉक्टर मृत्युंजय, बच्चों में ब्लैक फंगस के मामले क्या तेजी से बढ़ सकते हैं? क्या इस तरह की भी कोई रिपोर्ट्स हैं? नहीं, अभी हमारा जितना एक्सपीरियंस है, वी आर नॉट सीइंग ब्लैक फंगस इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप. और जो हमारा प्रेडिक्शन है कि अगर थर्ड वेव आता भी है तो प्रोबेबली तो बच्चे जो है उतने सीवियरली अफेक्टेड नहीं होंगे. एंड वी प्रिज्यूम कि अगर उनमें भी म्यूकर माइकोसिस का जहां तक रिस्क है, तो जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कहने का मतलब जिनकी बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता शुरू से कम है, या जो इम्यूनो सप्रेसेंट पे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, ऐसे बच्चों को ही मोस्टली म्यूकर माइकोसिस के रिस्क हो सकते हैं. हालांकि ये भी जस्ट एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में ये कोविड 19 वायरस कैसे बिहेव करेगा ये अभी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल. हमारे पास कोई बहुत स्टडीज नहीं है, ट्रायल्स नहीं है, बट ये कहा जा सकता है कि जैसे एडल्ट्स में मोस्टली डायबिटिक्स या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में म्यूकर माइकोसिस ज्यादा हो रहा है, बच्चों में भी अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या कुछ ऐसी दवाओं पे हैं जो उनकी बीमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहे हैं, उनमें ही म्यूकर माइकोसिस का रिस्क हो सकता है. अदरवाइज बहुत ज्यादा पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है अभी के सिनेरियो में. जी अच्छा डॉक्टर पल्लवी, मैं पढ़ रही थी अहमदाबाद में जिस 13 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हुआ, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, बस उसे कोरोना हुआ था और वो रिकवर हो गया था. तो ऐसे में बच्चों में क्या सिम्टम्स अलग हो सकते हैं? ये जो म्यूकर माइकोसिस होता है ये ऐसे ही नॉर्मली होता है कि बीमारी से बच्चे ठीक हो, बच्चे या एडल्ट हो, ठीक हो जाते हैं, घर जाते हैं और फिर उनको म्यूकर माइकोसिस के लक्षण दिखने लगते हैं और वो वापस. बट ये कोरोना अपने को हमें कि डिस्ट्रिक्ट पहले होते हैं उनको है. और मैं यही कहना चाहूंगी हम अभी इस म्यूकर के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि जो कहा है टिक्स में स्टीरॉइड्स में जिनको ज्यादा डोज में दी जाती है उनको होता है, बट हम लोग बहुत सी बीमारियों को बहुत बार स्टीरॉइड्स देखते हैं. हमारे बड़े हॉस्पिटल मुश्किल से साल में 10 म्यूकर के केस आते थे और आज अपने देश में 8 से 9 हजार पेशेंट्स आज की तारीख में है. इसका मतलब है कि एक फैक्टर जो मतलब अनडिस्प्यूटेड है कि म्यूकर माइकोसिस होने के लिए पहली चीज जो होनी चाहिए वो कोविड है, और कोविड हुआ तो ये होता है. अभी हमें केसेस का थोड़ा रिपोर्ट आ रहा है, तो डायबिटिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन ये भी जी हालांकि एक बहुत बड़ा एज ग्रुप बच्चों का डायबिटीज का भी शिकार है. डॉक्टर झूमा शंकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी बच्चों में क्या ब्लैक फंगस के सिम्टम्स अलग होते हैं या सेम होते हैं, कैसे डिटेक्ट किया जाए? नहीं, सिम्टम्स तो सेम होते हैं जैसे एडल्ट्स में होता है. अगर उनको साइनस इन्वॉल्वमेंट है तो उनको जुकाम, खांसी, सिर दर्द जो सिम्टम्स एडल्ट्स में होंगे, बुखार, थकान, मतलब कभी कभी उल्टियां भी हो सकती हैं. सो दीज ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन होंगी जो एडल्ट्स में होंगे और बच्चों में, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है. और जैसे कि डॉक्टर मृत्युंजय ने कहा है, जिन्हें भी इम्यूनो सप्रेशन कोई इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन है या फिर उन्हें कोई इम्यूनो सप्रेसिव दवाई या दे जा रही है, उनमें ये म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस ज्यादा है. इसी प्रसंग में मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड में हम इसीलिए ये ब्लैक फंगस देख रहे हैं क्योंकि कोविड के मरीजों में हम स्टीरॉइड्स देते हैं जो कि मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन में हमें उन्हें स्टीरॉइड्स देना पड़ता है. जब वो लंबी समय तक स्टीरॉइड्स पे रहते हैं उसके बाद हम इन्हें देख रहे हैं कि इन्हें कोविड इन्हें म्यूकर या फिर ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है. सो जो स्टीरॉइड्स है ये एक बड़ा फैक्टर है कोविड में, जिसके कारण से जो नॉर्मल जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, चाहे वो बड़ा हो या चाहे बच्चा हो,
उसमें म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांस हो सकता है। जी अच्छा डॉक्टर मृत्युंजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम देख रहे हैं कि जो बड़े हैं वो तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या बच्चों को हम एक्सरसाइज, हेल्दी फूड के अलावा इस तरह की मल्टीविटामिन टैबलेट्स या फूड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? नहीं देखो, अगर कोई प्रोटोकॉल या रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उनको अलग से मल्टीविटामिन या ये फूड सप्लीमेंट्स अलग से दो, जो मेरा ओपिनियन अभी भी है कि बच्चों को होममेड हेल्दी फूड दीजिए, बिकॉज हमारे जो होममेड फूड है दे कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, सो रादर देन यू नो फोकसिंग अपॉन आउटसाइड थिंग्स लाइक सप्लीमेंट्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंड वी डोंट नो द कंटेंट्स व्हाट दे आर कंटेनिंग, सो बेटर है कि बच्चों को घर की चीजें दो, बट जो हेल्दी फूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क एग जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस चीजें हैं और मोस्टली में सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि इन मल्टीविटामिन प्रिपरेशंस में होते हैं, इनको देना चाहिए। और ओवर द काउंटर मुझे क्या लगता है कि बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को ये घर की चीजें बिल्कुल वो नहीं दे पा रहे किसी वजह से, उनका घर का जो फूड इनटेक है वो एसेंशियल कंटेंट्स नहीं कंटेन कर पा रहा, तो उनमें आप कुछ दिनों तक ये मल्टीविटामिन प्रिपरेशन दे सकते हो, बट रूटीनली इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको 3 महीने 6 महीने साल भर तक मल्टीविटामिन खिलाते रहो, विच मेनी पेरेंट्स आर डूइंग विदाउट टेकिंग एनी मेडिकल कंसल्टेशन, बट आई वुड सजेस्ट कि उनको अभी भी घर के खाने पे होममेड फूड एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन एंड ऑल होममेड फूड्स, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर देम। डॉक्टर झूमा शंकर, बच्चों का हेल्थ सिस्टम अलग होता है, तो ऐसे में उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या तैयारी है अगर थर्ड वेव आती है तो? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप थोड़ा स्पेसिफिक आपका जैसे NICU अलग होता है, उनके अपैरेटस जो इस्तेमाल होते हैं वो अलग होते हैं, उनके लिए अलग वार्ड्स होते हैं, इस सिलसिले में? तो देखिए, जैसे पहले दो वेव्स में भी हमारा जो सिस्टम है उसमें हमने एडल्ट्स और बच्चे दोनों के लिए कोविड के जो वार्ड्स हैं वो बना के रखे हैं, सो दीज आर फॉर ट्रीटमेंट। चाहे इसमें कोई अलग से बच्चों के लिए कोई हमने अलग वार्ड्स या अलग ये नहीं रखा है, कई किसी किसी जगह में हमने ICU अलग कर दिए हैं, एक बच्चे का ICU है, एक एडल्ट्स का ICU, ये रह गए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। बट जो मेन तैयारी हमें करनी है जो थर्ड वेव के लिए, सबसे पहले तो जो टीका जो वैक्सीनेशन जो है वो हमें लगाने का कोशिश करना है ताकि सारे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं थर्ड वेव के पहले। साथ ही मास्क का आदत अभी तक हो गए हैं सारे बच्चों में, बट उनको और रीइंफोर्स करना है कि वो हर बारी मास्क पहने, हैंड हाइजीन का यूज करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। अपार्ट फ्रॉम हैविंग हेल्दी फूड, थोड़ा सा एक्सरसाइज जो भी है वो घर पे कर सके। सो बेसिकली हमें ये सारी चीजों का ध्यान थर्ड वेव होने के पहले हमें रेडी करके रखना चाहिए, ताकि हमें जो वो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, उसकी नौबत ना आए। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है बच्चों में सिम्टम्स काफी माइल्ड है, हम यही प्रे करते हैं कि थर्ड वेव में भी इनका सिम्टम्स माइल्ड ही हो। एंड हार्डली एनी चिल्ड्रन, 15 से 20 बच्चे ही एडमिटेड होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट इज नॉट ए मेजर कंसर्न। एंड मेन ये है कि वैक्सीनेशन एंड जो सेफ्टी सेफ एंड जो प्रिकॉशंस लेने हैं, कुल मिलाकर वैक्सीनेशन जरूरी है क्योंकि बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, तो बच्चों के माँ बाप जरूर वैक्सीन लगवाएं, इम्यूनिटी का ख्याल रखें, अपने बच्चों की अपनी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि अब बच्चे भी कोविड के कैरियर हो सकते हैं। आप तीनों ही डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कोरोना भी गया नहीं है और ब्लैक फंगस लोगों को अपना शिकार बनाने लगा है। कोरोना और ब्लैक फंगस की डबल चुनौती को आप कैसे इसका सामना कर सकते हैं, इससे ब्लैक फंगस की समय रहते कैसे पहचान हो, क्या है इसका इलाज और क्या सावधानी बरतनी है जरूरी, आपके हर सवाल का जवाब देंगे देश के दो बड़े ENT स्पेशलिस्ट दोपहर 1 बजे। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।